अस्सलाम वालेकुम, दी मेमन टीवी के साथ मैं हूं अली गोडेल और इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहतरम जनाब काशिफ फारूक रूमी साहब की रिहाइशगाह पर, जहां पर कुतियाना मेमन एसोसिएशन की काविशें जो हैं आज एग्जीक्यूटिव कमेटी की पूरी बोर्ड इन्होंने अनाउंस की और एप्रिसिएशन गेट टुगेदर भी रखा। तो फखरे कुतियाना हाजी समद परदेसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी सरपरस्ती होती है और हाजी उस्मान परदेसी साहब की क़यादत में ये जो काफिला चला, इनकी जो कोशिश थी कि इन मुश्किल हालात में हमारी कम्यूनिटी देने वाली हो, जिस तरह से पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक मेमन कौम ने हमेशा तमाम कम्यूनिटी को सर्व किया है, तो हाजी साहब की हमेशा से काविशें रहती हैं, वो चाहते हैं कि हमारे लोग काम करें, कारोबार करें और आगे बढ़े। हाजी साहब क्या विजन है, क्या कहेंगे आज? ये बहुत अच्छी कमेटी बनी है माशाल्लाह ताला, बहुत टाइम के बाद ये बनी है। मैं चाहता हूँ कि कमेटी में 21 आदमी ना हो, 210 आदमी हो, ताकि एक इलाके की आबादी अपनी उरुज पे है, इसके लिए कमेटी हो, इसके जैन बने, गरीबों का जैन बने। माशाल्लाह गरीब कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम जमात आपको इतना मदद करती है तो मेहरबानी करके एजुकेशन हासिल करें, आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, जमात फीस देगी। हाई एजुकेशन हम कर रहे हैं, हाई एजुकेशन में आ जाए, घर में बैठ के क्या करोगे, पढ़ लोगे तो इंशाल्लाह ताला कमाओगे, बड़े आदमी बनोगे। हम लोग भी पहले छोटे आदमी थे, मेहनत करते करते बड़े आदमी बने, तो अल्लाह करे हमारी कौम के जितने भी गरीब है वो भी बड़े आदमी बन जाए इंशाल्लाह ताला। इसके लिए हाजी उस्मान और एजाज और कमेटी हमारी कुतियाना जमात मेहनत कर रही है, इसको कामयाबी होनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला कामयाब होकर रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह हाजी साहब का जो एक पैगाम है कि हमें जो है वो मछली खिलाना नहीं है, मछली पकड़ना सिखाना है ताकि वो आगे बढ़े, खुद काफिल हो जाए, देने वाले बन जाए, और यही विजन है कि एजुकेशन इस वक्त की ज़रूरत है। तो हमारी कम्युनिटी इंशाल्लाह बहुत जल्द कुतियाना बरादरी भी तमाम लोग कोशिश हमारी के देने वाले होगी और आपकी सरपरस्ती होगी हाजी साहब, तो ये विजन जारी रहेगा। आखिर में दी मेमन टीवी हमेशा सरपरस्ती करते हैं, आप दुआओं से भी नवाजते हैं, आप हमेशा कहते हैं मेरी माँ की दुआएँ, और आपकी हमेशा मुझे बड़ी खुशी होती है तमाम दी मेमन टीवी की सर पर याद रखते हैं, दी मेमन टीवी की चीज़ों को आप शेयर करते हैं, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। अल्लाह पाक ने आपको बेशुमार इज्जत से नवाजा है, क्या कहेंगे हमारी टीम के लिए? अल्लाह आपको कामयाब करेगा, आपका दिल अच्छा है, आपकी मेहनत भी अच्छी है, मोहब्बत वाले आदमी हो, दिल लगता है कि आपके साथ सारे साथ सारे दिन सारी रात आपके पास बैठा रहूं और आपको दुआ देते रहो, और इंशाल्लाह देखना वन नंबर हो गए पूरे कराची में, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में वन नंबर हो गए, आपसे कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, हमारी दुआ है आपको, और सबसे ज़्यादा आपकी माँ की दुआ है, जो उमरा करने गई, माँ को प्यार दिया, आपको माँ की खिदमत की, इसकी रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप आगे बढ़ोगे, बस एक ख्याल रखना, ईमानदारी रखना, ईमानदारी से काम करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।